मर ही जाता हूं, आज मैं अपने आप को ही गोली मार लेता हूं। मगर टीपू, मेरे खुद को गोली मार लेने से क्या ये दुनिया सुधर जाएगी? नहीं भैया। धामली शंघाई बन जाएगा? नहीं भैया। ये आरटीओ लेडी को नोबेल प्राइज मिल जाएगा? नहीं ना भैया। क्या कर रहे हो? चाचा जी ने मुझे बताया कि और अगर ये औरत मरी तो कौन जीतेगा टीपू? क्या कहा तूने? अगर इस 2% की औरत को यही कुत्ते की मौत मार दूं तो कौन जीतेगा टीपू? जिस औरत को तूने गाली दी है ना, वो मेरी मां जैसी है, मां जैसी।
मॉर्निंग, मेक श्योर कि हर घंटे आप मुझे इनकी सारी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। जी डॉक्टर। अभी का डोज ये है, नेक्स्ट ये। डॉक्टर, और इसके बाद इन्हें होश कब आएगा? शायद अभी या फिर कभी भी नहीं, लेकिन आपके बार बार पूछने से हमारा जवाब नहीं बदलेगा। बेटा, तुम इस पेशेंट के लिए इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? जब तक इनकी सांस चलेगी, बस तब तक मेरी जिंदगी। भाग आदि भाग। दो बॉल, दस रन। जीत के दिखा? जीत तो मैं तभी गया था जब मैंने सोच लिया था। जाना बॉल डाल, बॉल डाल। बॉलर भी अपना है और जीत भी अपनी। जी भाई साहब। लगा दे सारे पैसे। जी भाई साहब। देखना होगा क्या आदि आज ये कारनामा कर पाते हैं। सबकी निगाहें केवल आदि पर। आदि कुछ सोचते हुए और आदित्य सिंह स्ट्राइक पर, बिलाल अफरोज बॉलिंग करते हुए और ये खूबसूरत कवर ड्राइव। पता है छक्का क्यों मारा? क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि छक्का लास्ट बॉल में ज्यादा अच्छा लगता है। भाई साहब, अबे आईपीएल का सबसे खूंखार बॉलर है ये, कोहली भी रिस्पेक्ट करता है इसकी। बस ये लौंडा ही रिस्पेक्ट करता, ना दिख रहा है किसी के। वर्सेस मोहाली का मैच जिसका सभी को इंतजार था, हजारों दर्शक यहां मौजूद हैं। इसने फिर से यॉर्कर की फील्ड लगाई है। अच्छा, धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ के आयोजकों का जिन्होंने इतनी बड़ी ट्रॉफी का अरेंजमेंट किया यहाँ पर। लव कर रहा है, कभी-कभी कहते हैं बाउंसर डाले। पैसे क्या छक्का मारा यार, उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए मैच हारने के लिए, और तू साला अपनी याददाश्त से जीत गया। आपने पैसे ऑफर किए तो मैंने भी सोचा कि अगर हम लोग हार गए तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए मैं बिक गया। और जो भाई साहब की बेइज्जती हुई वो तो भाई भाई समझ के माफ कर लो भाई साहब। तो यहाँ आकर चाट कर मेरे जूते साफ कर, क्यों भाइयों? शायद माफ कर दो। मार लो। देखो, मैंने आपकी बेइज्जती की, आप मेरी कर लो, फेर है ना? ठीक है ना? हाँ, क्या बोलती पब्लिक? ठीक है ना? फेर इज फेर, है ना भाई साहब? ₹100 ना आयोडेक्स के लिए, रात को हाथ दर्द करेगा।
होमी। आदि आदि चल उठ उठ। अरे 12 बज गए हैं, तेरे भाई ने बुलाया, तैयार हो जा, चल उठ। बाद में होगा चाचू, 12 बजे कौन उठता है, क्या अभी। अरे नक्कारे निकम्मे आदमी भी उठ जाते हैं 12 बजे, एक तुम हो जिसे करियर की कोई चिंता नहीं। सुनो इसके कपड़े निकालो। तुम 2 सेकंड से लेट हो गए आप, अभी सारे कपड़े उसके मैंने पानी में डुबा दिए। तुम्हें भी क्या जल्दी है, अब गीले हो गए, अब जब तक सूखेंगे स्त्रियों के आएंगे, एक हफ्ता तो लग ही जाएगा ना। चल तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही ऐसे। हाँ तू समझता क्यों नहीं है, रमन ने कहा है बहुत जरूरी बात है। चाचा जी मैंने अपने दोनों बहनों को प्रॉमिस किया है, हाँ बिना उनका चेहरा देखे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, वो एक बार स्कूल से आ जाए ना फिर देखते हैं। अच्छा सीता चीता। जी पापा। अरे स्कूल नहीं गए तुम लोग, करियर की कोई चिंता नहीं है, आज संडे है आदि भैया उठो। संडे आज, हाँ और कोई बहाना आ रहा है। बना रहा हूँ मैं, 10,000 रुपए दे दो। 10,000? नहीं नहीं मेरे पास 10,000 नहीं है, फेयर प्राइस है। अरे मेरे पास होते तो मैं दे देता ना। सुनिए ना, ये 10,000 आपने रखे थे ना अलमारी में संभाल के, तुमने क्यों निकाले? दे दीजिए, प्राइस डबल हो गए तो कहाँ से लाएंगे। आज पूरे 1 साल 3 महीने के बाद घर जा रहा हूं, माँ बाप के बाद मेरे भाई ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मेरी जान है मेरा भाई, मंडे टू फ्राइडे मेरा बाप बन के रहता था, सैटरडे को मेरा यार और संडे को मेरी माँ बन जाता था। दादू से रिकवरी के लिए 4 लीटर पानी भी पिलाता, बड़ी इमोशनल फेलो। फिर अमावस की एक काली रात को मेरे भाई पे एक रूहानी ताकत का साया पड़ गया। मेरे भाई की बीवी अवनी देवी, इस दुनिया की सबसे हसीन विलेन, मैंने आज तक किसी का ऐसा औरा नहीं देखा गुरु। वो आते ही मेरे भाई को खा गई। आदमी शादी के बाद बदल जाता है। अरे ठीक कहते हैं, मेरा भाई तो अगले दिन ही बदल गया। अरे ये कुछ तो होगा। मैडम ने मुझे पेनी पेनी के लिए मोहताज कर दिया, पॉकेट मनी घटते ही मेरे भाई से मेरी दोस्ती टूट गई यार। मैडम वॉज टेकिंग ओवर और मेरी फटी पड़ी थी, ये मुझसे बेटर थी यार। बैटमैन और सुपरमैन की वुमेन का पता नहीं, बट थंडर वुमेन मेरे घर आ चुकी थी। क्या हुआ आदि? कुछ नहीं, मैंने भी घर छोड़ने का फैसला कर दिया और धमकी दे दी, चाचा के घर जा रहा हूं मैं। मैं जानता था भाई जान दे देगा पर मुझे घर से नहीं जाने देगा। ट्रेन से जाना, फ्लाइट्स महंगी हो गई हैं। लेकिन आज जरूरत पड़ी ना भाई की, देखना मुझे देखते ही पागल की तरह भागता हुआ आएगा भाई। भैया आ गए, और टाइम लगा दिया तुमने, चाची कह रही थी सुबह से निकले हो तुम,
कैसे हो आदि? मैं खाना लगाती हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। वाह, टू द पॉइंट। बुरा ना मानो तो पहले फ्रेश हो लूं मैं। अरे तू चलेगा आपको? ए, 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 सुन मेरी बात सुन, मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि भूख लगी है मुझे। अरे मेरी बात तो खाना खा लो पहले। ए, थक गया होगा, जा सो जा, बात कल कर लेंगे। हेलो, क्या कल कर लेंगे? जो बोलना है आज बताओ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ए, अरे जिद मत कर, तू थक गया, जा सो जा। अभी का अभी, नाउ मींस नाउ। तेरी भाभी का ट्रांसफर हो गया। हाँ, अवनी का ट्रांसफर हो गया। मैडम गई? राम लखन वार्डन गई? फ्राइडे को फिल्में देखेंगे, फिल्में। सैटरडे को दारू, संडे को रे 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 रे। अरे मेरी बात तो सुन ले। बोलो ना भाई, आज जो भी बोलोगे डन है। डन मतलब डन डन डन। तो सुन, सुनाओ। तू और तेरी, मैं और मेरी, तुम, मैं अपनी भाभी के साथ 2 महीने के लिए धाम नहीं जाते। अदी, तू ठीक तो है ना? आप भाई हो या दुर्घटना? दुर्घटना ना हो तभी तुझे भेज रहा हूँ भाभी के साथ, और तेरे कॉलेज के दोस्त भी होंगे। मैं नहीं जा रहा हूँ, और पहले ही बोल रहा हूँ, मैं मैडम का नौकर वोकर नहीं हूँ मैं। अगर मुझे बैंगलोर ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना होता ना, तो मैं खुद जाता। नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। ठीक है, बचपन से आज तक मैंने तेरी हर एक बात मानी है, हर एक इच्छा पूरी की है। आज जिंदगी में पहली बार मुझे तेरी जरूरत है। तो वाह छोटे, बहुत बड़ा हो गया यार तू। वाह भाई, मान गए। व्हाट अ माइंड जॉब। 2 साल में इनवाने के साथ में इमोशनल ब्लैकमेल भी सीख लिया आपने। क्या चॉइस है मेरे पास? जा रहा हूं मैं, अब भी चले जाता हूं ना। जाऊं जाऊं मैं, जा रहा हूं मैं। $10,000 लगेंगे आपको। नहीं नोट चाहिए मुझे, प्लीज। आइए। आदि, आदि मेरे भाई। बस क्या, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम बे। अरे छोड़ ना, भाभी है यार। भाभी है अपनी। अच्छा छोड़, ये है मेरा कजिन दर्शन। चंडेल, जानता हूँ। एक बार मैं किसी को देख लूं तो कभी भूलता नहीं, पता है हमको। मैं कॉलेज से सुनते आ रहे। करेक्ट, इंस्टाग्राम पे देखा है तुम 3 idiots की स्टोरीज। छिछोरे, चल आ जा, थोड़ा आराम से। में देखा था एक बार, बदला ही नहीं। चाय में दूध डालने की क्या जरूरत है? ग्रीन टी। अरे ग्रीन टी पियो आंटी, ग्रीन टी।
मॉर्निंग मैम. उमेश. उमेश शर्मा. आई नो. आइए. गुड मॉर्निंग मैम. मैडम आपको कमिश्नर साहब ने बुलाया है. बड़ा ही सडन ट्रांसफर हो गया आपके यहाँ पे, है ना? जी मुझे भी लेट ही पता चला. उमेश ने बताया मुझे कि आप आते ही सीधे दौरे पे निकल रही हैं. तो सोचा आपको बता दूं, रायगंज कनकपुर इल्डा और वागरा जाने की कोई जरूरत नहीं है. वहां का मुआयना मैंने कर लिया है, सब ठीक है वहां पे. जानकारी के लिए धन्यवाद सर. यू कैन गो. जी नमस्ते सर. उमेश. जी मैडम. गाड़ी निकलवाइए, मैं दौरे पे जाऊंगी. जी मैडम. कहाँ से शुरुआत करेंगी? रायगंज इल्डा वागरा और कनकपुर. मैडम कमिश्नर साहब को पता चला तो बता देना मैंने कहा है. हेलो. हाय कैसी हो आप? ठीक हूँ. आदि कैसा है? आदि रमन का फोन है, जरा पौधों पे भी पानी डाल देना. काम पे रोज टाइम पे आने का. जी. और मैं जो काम बताऊं बिना मुंह बनाए फर्स्ट क्लास कर देने का. जी. और अगर मुझे काम अच्छा लगा तो हर महीने 200 रुपए बढ़ा दूंगा. जी. आदि ये कौन है? मेड है. याओ ये घर का सारा काम करेगी, पौधों को पानी देगी, बाजार से सामान लाएगी, कपड़े भी सुखाएगी, सब कुछ करेगी. बोलो. जी सब कुछ करूंगी. देखा, लेकिन हम तो सिर्फ दो ही लोग हैं, मेड की क्या जरूरत? अपने घर का काम खुद ही करना चाहिए. से थैंक यू एंड सेंड इट अवे. वो मैडम बोली कि अंग्रेजी आना जरूरी है. आदि कपड़े छत पे सुखा देना. नहीं बेटा, मैडम बोली एक ही घर में दो नौकरों की क्या जरूरत है. सुषमा देख निकम्मे को. आदि मैडम ने बर्बाद कर दिया है चाची जी. हाँ क्या हुआ सब बता मुझे. अरे खुद तो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठती है, झाड़ू पोता बर्तन कपड़े सब्जी खाना सब मुझसे करवाती है. पर ये सारे तो नौकरों के काम होते हैं. अरे नौकर ही तो बना दिया है चाची जी. प्लीज प्लीज मुझे बचा लो. हेलो पे बचा लिया था.
आजा। आया। हेलो यार, अबे भाई तू प्यार में, मैं नहीं। लुट गया देखा भाई, प्यार में ये होता है, आदमी बिना नींबू के पी जाता है। क्या बात कही है भाई। अगर मैं लड़की होता ना तो खुद पे कभी लाइन नहीं मारता। और ये तो नादों के पीछे पड़ गई यार, शादी करना चाहती है। सही है भाई। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अबे बहुत ज्यादा हो गया है ना। इससे पता चलता है लड़की का स्वाद कितना खराब है। अतरंगी है यार, कुछ भी बोल। पूरा अतरंगी। हाँ चाची। तू आया नहीं अभी तक? वो रास्ते में ना बुखार हो गया। बुखार? डॉक्टर को दिखाया? अरे डॉक्टर तो खुद सामने से चल के आई। अच्छा सुन, तू ना पैसों की चिंता मत करना, मैं पेमेंट कर दूंगी। हाँ 10,000 रुपए पेमेंट कर देना, वो दवा दारू की ना सख्त जरूरत है। तू अपनी से कहना तेरा अच्छी तरह से ख्याल रखे। ओह शिट मैडम। ला ताला लगा दिया। प्रणाम भैया। एक काम करो, घर का बंटवारा कर दो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अरे क्या बोल रहे, तो क्या हुआ, क्या हो गया? अरे दो ड्रिंक क्या पी ली आपके मिसेज ने तो घर पे ताला लगा दिया। कपड़े धुलवाती है, कलर अलग, सफेद अलग, रोज प्याज काटने पड़ते हैं, छोटे छोटे। अच्छा वो छोड़ो, आज एक भाई ने आपके भाई को भाई बोला। फोन करो आपके मिसेस को, उनको फोन लगाओ और बोलो आपका छोटा आया है। कौन? आपका छोटा। अरे शांति करना। तो और हाँ ये भी बोल देना कि मैं उनसे डरता नहीं हूँ। डरता हूँ क्या मैं? मैं नहीं डरता हूँ। भैया हाँ नहीं, मैं घर पहुंच गया हूँ। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? तू भी पानी पी के सो जा। स्वीट ड्रीम्स। अजीब डुप्लीकेट चाबी है। 8016747774 मेरा नंबर है। मैंने सुना है तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, याद कर लेना। ट्रेनिंग नौकरों की और एप्लीकेशन फॉर्म सीधा सीआईडी का। हट। ये एप्लीकेशन नहीं भरनी? क्यों नहीं भरनी, पूरी भरनी है ना। कचरा घर के बाहर फेंक देना। कचरा घर के बाहर फेंक देना। भैया मिल जाए ना बस बस। अब लड़की का मेहनत करना तो बनता है क्या कवला मान।
फर्स्ट टाइम में प्रपोज, थोड़ा तो एफर्ट डालो ना, मैं भी आदी हूँ। अरे रुको रुको रुको, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैं वो, तुम क्या हर लड़के के साथ में ऐसी हो कि मुझ में कुछ खास है? तुम में ही कुछ खास है। पता था। फ्राइडे को मेरे कॉलेज की छुट्टी है, तुम बारात लेके आ सकते हो। तुम अल्कोहलिक हो या ड्रग एडिक्ट? लव एडिक्ट। फिर से हेलो नताशा। कौन नताशा? जिसके कॉल के चक्कर में पूरा दिन बर्बाद कर लिया तुमने। अरे शादी करके पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम? टू लेट, मुझे तो तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। तुम्हारी आई साइट तो ठीक है ना? ओ हेलो, मुझे देख के यू टर्न मार लिया था तुमने, इतना तो साफ दिख गया था। वैसे तुम्हें हुआ है कभी लव एट फर्स्ट साइट? लव एट थर्ड साइट हो सकता है, अगर तुम मिलो अभी। अभी मिलना है तो आकर ले जाओ। एड्रेस भेज दो, मैं तो रास्ते में हूँ। तुम ढूंढ लोगे तो बता दूंगी। अच्छा एक काम करो, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। See you, beauty. See you, cutie. क्या बात है? See you, beauty. ढूंढेगा कैसे? UP028181. बस का रूट चेक कर, जल्दी से। इंजीनियरिंग कॉलेजेस कितनी हैं? फाइंड आउट कर। पागल थी मैंने झेला कारवास। कारवास है क्या कोई? कारवास? कारवास तो नहीं, हाँ छात्रावास जरूर है। कौन सा? रावल जी नेने महिला छात्रावास। कैसे? मुझे लगा हार जाओगे। जीत तो मैं तभी गया था जब मैंने सोच लिया था। अब वापस जाओ। क्या? वापस जाते हुए पकड़ी गई ना तो तुम्हारे घर आके रहने लगूंगी। मेरे घर? मैं इतनी सच तच के वापस जाने के लिए थोड़ी आई हूँ। चुपचाप चलो। कहाँ, मैं यहाँ नया हूँ, आई डोंट नो। मैं हूँ ना, तुम बस चलो। बोल बे। गुड मॉर्निंग सर।
क्या सर, आप ये सब क्या करते रहते हैं? कल को आप यहाँ के एमएलए बनने वाले हैं और ये सब? मुझे कोई नहीं मार सकता, बताइए पंडित जी। सब शास्त्रों का खेल है, इनकी कुंडली में लिखा है इन्हें कोई नहीं मार सकता। भैया वो मेजर मिल गया। हेलो मेजर। थैंक यू विक्रमजीत बिष्ट। जानता हूं और ये भी जानता हूं कि आज तुम यहां किस लिए आए हो। आप तो अंतर्यामी निकले, और क्या क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? अंग्रेजों के जमाने में तुम्हारे पूर्वज हमले के बाहुबली हुआ करते थे, और इसलिए आज तुम राजनीति के जरिए हमले पे दोबारा राज करना चाहते हो। हमले का शंघाई बनाने के बहाने एमएलए का चुनाव लड़ रहे हो। सुपर के नाम से करीबन 1000 टैक्सियां चल रही है तुम्हारी। अभी तो आधी गाड़ियां बिना लाइसेंस के चलाते हो। अगर एमएलए बन जाओगे तो शायद सारी गाड़ियां बिना रूल्स फॉलो किए चलाओगे। कोई बस से सफर करना चाहे तो बस से जला देते हो। जो अफसर बिकने को तैयार है उसे खरीद लेते हो, और जो ना बिके उसका ट्रांसफर करवा देते हो। नहीं नहीं नहीं, कई बार ट्रांसफर नहीं भी करवा पाता हूं। है तो उन्हें अपने रास्ते से हटा देते हो। सब लोग तुम्हारे सुपर में सफर करे इसके लिए 3 महीने पहले तुमने एक बस में आग लगवाई जिसमें 40 लोग जलाए गए। 40 लोगों के मर्डर्स के सबूत हैं मेरे पास, वही लेने के लिए आए हो ना? सही है, तो सबूत दे दीजिए और किस्सा खत्म। ऐसे कैसे खत्म कर दूं? कैसे? उस दिन सिर्फ 40 लोग नहीं जल गए, उन सबके परिवार भी जल गए। मेरी एक ही बेटी थी, जॉब मिलने की खुशी में वो घर लौट रही थी, घर पहुंच नहीं पाई। लाशों की भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढना कैसा लगता होगा जानते हो? दुख हुआ होगा ना, मैं समझ सकता हूं। आपकी बातें मेरे दिल को छू गईं। टीपू जी। भैया देखो, मेजर साहब को कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस इनसे सारे सबूत ले लो और इन्हें छोड़ दो। जंग में एक बैग होने के बाद भी दुश्मन से डटकर मुकाबला किया था,
आज भी वही करूंगा मैं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तुम्हारा एमएलए बनने का सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा विक्रमजीत। किसी के सपने के बारे में इस तरह से बात नहीं करते मेजर, पाप लगता है। अरे पाप तो तुझे लगेगा, एमएलए बनने की बात तो दूर रही, तू अपने हाथ मर गए। चलिए ठीक है, तो मैं अपने आप को ही गोली मार लेता हूं। टीपू, मैं अगर खुद को गोली मार लूं तो क्या करप्शन खत्म हो जाएगी? नहीं भैया। गरीबी मिट जाएगी? नहीं भैया। इस बुड्ढे की बेटी वापस आ जाएगी? अरे नहीं भैया। मैं तो क्या मैं एमएलए बन पाऊंगा? नहीं भैया। और अगर ये बुड्ढा मर गया तो? तब तो जरूर बनेंगे भैया एमएलए। जो मुझसे जीतने की कोशिश करता है वो अपनी जिंदगी हार जाता है। बिना संकोच बोलिए। मैं नहीं चाहता कि नताशा अब हॉस्टल में रहे। इसकी वार्डन ने इसके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स की हैं। वहां रही तो और बिगड़ जाएगी। वो भी कौन सी दूध की धुली है? देखा बेटी, तुम्हारे पास रहेगी ना तो शायद तुम्हारे गुण भी इसके अंदर आ जाएंगे, इसलिए यहां ले आया। इसका अपना ही घर है अंकल जी, अपना सामान रख लो। ठीक है अवनी जी, 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को, बच्चे के बारे में क्या सोचा है? जब भी पूछो ना तो मुस्कुरा के टाल देती हो। देखो आ गया ये निकम्मा। नौकरी मिली या अकेले भटक रहे हो? अकेले क्यों अंकल, आजकल अपनी हॉट गर्लफ्रेंड के साथ भटक रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन अगर मैं तेरी गर्लफ्रेंड का बाप होता तो तुझसे जरूर पूछता, उसे भी अपने भाई के घर में रखेगा क्या? क्या पता आपके जैसा चिंदी चोर ना और अपने घर पर रख ले तो। चले अब। हाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बिन बुलाए मेहमान। अच्छा आदि, आज से मेरी कजिन निकी हमारे साथ रहेगी। तो 2 एक्स्ट्रा टमाटर, 2 एक्स्ट्रा प्याज, 1 कटोरी एक्स्ट्रा दाल सब्जी, 6 रोटी एक्स्ट्रा, 2 कपड़ों का सर्फ एक्स्ट्रा लगेगा रोज। पैसे 100 रुपए पेट्रोल के भी ले लेना, उसे कॉलेज ड्रॉप कर देना। और हाँ, वो उसका कमरा है आज से, जाके बता देना उसे तुम ड्रॉप करोगे। मैडम ये बोल के गई है कि सुनबे दहेज में मिले ड्राइवर, आज तक तू सिर्फ मेरा नौकर था, अब तू मेरे कजिन का भी है। अगर मैडम ऐसी है तो ये कैसे होगी? छोड़ यार शक्ल ही नहीं देखनी। हेलो सुनो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो पहली बार जब आपने गलती से टच किया था मुझे लगा ओके इट्स बाय मिस्टेक, डोंट डू इट अगेन। दूसरी बार मुझे समझ में आ गया आपकी नियत में कुछ खोट है। अरे जैसे किसी लड़के का सेटिंग होता है
शहर की क्या सारी लड़कियों को मैसेज पहुंच जाता है अटैक। सब मिलके शिकारी बन के उसे भिखारी बना देते। साला लड़का धोबी का कुत्ता रह जाता है, ना घर का ना घाट का ना लड़की के साथ का, बस अपने हाथ का। इसलिए सुन लो, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। मानते नहीं हो तो सोशल मीडिया पे चेक कर लो। माना की शक्ल से मैं निकम्मल लगता हूँ पर मैं बहुत शरीफ हूँ। तो बिना अश्लीलता फैलाए अगर आप बैठ सकती है तो यू मे सिट डाउन, बट इफ यू आर नॉट देन प्लीज बस स्टॉप वाय, आप आगे चले जाइए। चलो चलो। माइंड द गैप। बैग रखिए, आप बैग रखिए बीच में। ये तो नताशा का कॉलेज है। हाँ चाचा जी। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेती, वक्त ठीक नहीं है। मैंने सोच लिया चाचा जी। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आकर पेपर साइन करवा लेता हूँ। ठीक है, आप कल पक्का आ जाइएगा। अगर कल तक वेजिटेबल कटहल मेरे घर तक नहीं पहुँचाना तो मैं तेरे घर पहुँच जाऊंगा। ओके ब्रो। तुम मेरे घर तक पहुँच गई। भाभी की बहन घर पे, बाद में मिले। मुझे भी भाभी की बहन से मिलना है अभी। प्लीज चलो, कल मिल लेना। भाभी को पता चला ना, मुझे और तुम्हें दोनों को मार देगी। मुझे मार देगी और उससे घर में रखेगी? क्यों, ऐसा क्या खास है उसमें? अबे ओ, नंबर दो, माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। नहीं पिया है, डेयरी का पिया है। तुम प्लीज चलो यार। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। ये वेजिटेबल कटर बेचती है। क्या हो रहा है निक्की? दीदी ये पूछ रहे थे कि ऑनलाइन पे से वेजिटेबल कटर कैसे बाय करें। वेजिटेबल कटर? घर में दो दो छुरियां तो है, वेजिटेबल कटर की क्या जरूरत? हेलो। हाँ निक्की। मैडम की बहन। इतना बड़ा गेम मेरे साथ। बोला था ना हॉस्टल से निकाला तो तुम्हारे घर पे आके रहने लगूंगी। अच्छा अच्छा। मेरा चक्कर तो मैं जानता हूँ, तुम्हारा चक्कर मेरे साथ कब से शुरू हुआ? दीदी की शादी से। पहली बार वहीं देखा था तुम्हें। दीदी की शादी से? दीदी की शादी? तुम्हारी धोती फिसल रही थी और तुम्हें भागनी नहीं आती थी, बस मुझे उसी वक्त तुमसे प्यार हो गया। हर कोई यही कह रहा था कि आदि एकदम नकारा और निकम्मा है, इसके लिए कोई ऐसी लड़की देखनी पड़ेगी जो इसे जिंदगी भर पालने को तैयार हो। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें जिंदगी भर पालूंगी। तो तब क्यों नहीं बताया? दो साल वेस्ट कर दिए ना। फिक्र मत करो, पूरे दो महीने है तुम्हारे पास, बताओ क्या करना है। अगर तुम्हें किस कर लूं तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा? शो। और यहाँ की ट्रैफिक जी। उमेश जरा रोको इसको। जी मैडम। जी मैडम। अरे रोको रोको रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको रोको, बाहर आइए प्लीज। दीदी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बाइक खराब हो गई थी। हाँ। तो सुपर ले ली हम लोग ने। हाँ दीदी, आपको तो पता ही है इसकी खटारा बाइक, चलती कम है रुकती ज्यादा है। मैं आपकी कार में चलूं? ये गाड़ी ऑफिशियल है, तुम लोग ऑटो से चले जाओ। चलो। ये गाड़ी ऑफिशियल है? अरे हम बता रहे ना मैडम, आपने बिना पेपर्स देखे ही मेरी सवारी को गाड़ी से नीचे कैसे उतार दिया? गाड़ी का नंबर क्या है? दिखाई नहीं देता क्या आपको? मैंने पूछा गाड़ी का नंबर क्या है? 2844। अगर ये 2844 है तो फिर ये क्या है? उमेश। जी मैडम। दोनों गाड़ियों को सीज कर लो। जी मैडम। ए मैडम, ये सुपर्स किसकी है पता है आपको? जो बहुत जल्द एमएलए बनने जा रहे हैं। हर सुपर को चेक करो। जी मैडम। एक बार में समझ में नहीं आया क्या मैडम आपके?
विक्रमजीत बिष्ट को पता चल गया ना तो आप तो सीधा ऊपर ही दिखाई देंगे। क्या नाम बताए? विक्रमजीत बिष्ट। सुना तुमने उमेश जी? मैडम उनके नाम की नोटिस जारी करो। वोट मांगने आ गया तू? एक बात बता, जब मेरा चाचा मरा तब कहे नहीं आया तू? चलो ठीक है, आप एक काम करो, जब मेरा चाचा मरे ना तो आप भी मत आइयो, खाली वोट मुझे दीजो। चल माफ किया, दे दिया तुझे वोट। थैंक यू। जीता रहे, जीता रहे। थैंक यू। क्या हुआ बे? भैया वो जो नई आरटीओ लेडी आई है ना, उसने कुछ कैब जब्त करवा ली है, बोलती धंधा बंद करवाएगी। साला तेरे से कुछ भी हैंडल होता नहीं है, सिर्फ बकबक करता रहता है तू। वकील साहब, कमिश्नर को फोन लगाइए। जी सर। जी। आइए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आपने तो आते ही सबकी लक्ष्मी बंद करवा दी। हाँ? आप औरतों की प्रॉब्लम क्या है? है? नारे लगवा लो, मोर्चे निकलवा लो, अरे घर पे बैठकर खाना क्यों नहीं बनाती आप? कुछ खा लीजिए। मैं ड्यूटी पर खाती नहीं हूं सर। हम तो कहीं पे भी खा लेते हैं। उमेश। जी सर। मिर्ची कहाँ है? है? अभी लाए सर। अभी लाए। कल वो जो सुपर्स पकड़े ना तुमने, छोड़ दो उन्हें। सुपर्स ने स्टेट ट्रांसपोर्ट को जाम कर रखा है सर। वो चाहते हैं कि सभी इस प्रांत में सुपर्स में ट्रैवल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने जब प्रोटेस्ट किया तो हाईवे पर बस में आग लगा दी, 40 लोग मारे गए सर। मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री चेक की है। हिस्ट्री अगर तुम ठीक से चेक करती तो तुम्हें पता चलता कि विक्रमजीत के खिलाफ जिस किसी ने भी आवाज उठाई वो खुद हिस्ट्री हो गया। जनता की जिंदगी का सवाल है सर। जनता की और अपनी जिंदगी में मुझे अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी है, समझिए आप? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ सर। तो ठीक से करो ना ड्यूटी। तुम्हारी ड्यूटी है अपना सीनियर का ऑर्डर मानना। कल सुबह मुझे सारे के सारे सुपर्स रोड पे चाहिए, समझी? अबे चाय कहाँ है उमेश? लाया सर। अब क्या लिख के दूँ? अब आप लिख कर भी देंगे तो वो सुपर्स तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नमस्ते सर। मैडम घर पे है। मैडम घर पे है। पागल है, मरवाएगी ये लड़की। अरे ये बिजली की मैडम मैडम क्या पकड़ना क्यूटी? मैडम होगी ब्यूटी, मैडम आ गई ब्यूटी। हाँ? अंधेरे से डर के पकड़ लिया था इसने। हाँ। देखा लाइट आ गई, क्यों डरती है? टाइम मत वेस्ट करो आदि, घर भेज दिया मैंने उसे। पहले अपना करियर बनाओ, प्यार करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, समझे? हाँ चाचा जी। क्या बात है शांति फ्लैट, आज इतनी जल्दी जाग गए? तुम्हें डिसिप्लिन देखकर बहुत खुशी हुई। अवनी के अलावा तुम्हें और कोई नहीं सुधार सकता।
ये ले पिन्निया, तेरी चाची ने भेजी है। आइए ना। अबे ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया वो लेडी ऑफिसर है ना, उसने केस फाइल किया और वारंट भी इशू कर दिया हमारे खिलाफ। सर गाड़ी तो हम छुड़ा लेंगे, लेकिन अगर आपके खिलाफ फाइल बन गई तो एमएलए की सीट में गड़बड़ हो जाएगी। हाँ विक्रमजीत भैया, अब उस लेडी ऑफिसर को सिर्फ और सिर्फ आप ही हैंडल कर सकते हैं। ठीक है मैं चलता हूँ। आज रुक जाइए, कल चले जाइए। ये पेपर्स देना जरूरी है। ठीक है आज ही जाना होगा। आदि जरा चाचा जी को स्टेशन छोड़ देना। चलिए चलो। क्या सोच रहे अली? कुछ नहीं बस ऐसे ही। हाँ आइए बैठिए। नमस्ते। विक्रमजीत बिष्ट फ्रॉम सुपर्स। आइए बैठे। थैंक यू वेरी मच। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? जो भी अच्छी मिलती हो मंगा दीजिए। मैं चलता हूं। मैं भी आ रहा हूं आपके साथ। तुम कैसे? अपनी अकेली है यहाँ? तो रहे अकेली, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। हुआ क्या है आदि? लाइफ बर्बाद कर दिया उस औरत ने मेरी। किसी चीज की कदर नहीं है उनको। पहले भाई से अलग कर दिया मुझे, यहाँ आया तो नौकर बना दिया मुझे। उन्हें पता चला कि मुझे निकी पसंद है तो उससे भी दूर करवा दिया। दिल की बुरी है वो चाचा जी, दिल की बुरी है। और यही होता है जब आप गलत औरत से शादी करवा दो। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अपनी सुपर्स बचाने के लिए रूल्स फॉलो कीजिए, टैक्स पे कीजिए, हम आपके सुपर्स नहीं पकड़ेंगे। बस हो गया। ये चेतावनी अगली बार के लिए है। ये सुपर्स तो मैं नहीं छोड़ सकती। मैं तकरीबन 2 साल पहले मेरे ड्राइवर ने 5 ईमानदार लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। वो गाड़ी आज भी चल रही है। मैम आदि, 2 साल पहले तुम्हें मेरे पास अवनी ने नहीं तुम्हारे भाई ने भेजा था ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। अवनी तो तुम्हें घर पर रखना चाहती थी, वो तुमसे काम करवा के तुम्हें नौकर नहीं बनाना चाहती। हाँ इतना जरूर चाहती है कि खाना खाते हुए उसमें खुददारी का स्वाद बना रहे। उसने नताशा को दूर नहीं किया है बल्कि भेज दिया है ताकि तुम दोनों एक हो सको। अरे इसीलिए तुम मुझे बुलाया था। वो नताशा के पिता से उसका हाथ मांगना चाहती है तुम्हारे। और इसीलिए उसने अपने पिता की जमीन कम दाम में बेच दी है ताकि तुम्हारे लिए घर ले सके। कितने पैसे लेकर मानेंगे आप? मैं मान जाऊंगी आपको, खरीद के दिखाइए। ये पूरा शहर जानता है
कि इस साल एमएलए का इलेक्शन मैं जीतने वाला हूं। ऐसे में अगर उनको पता चला कि मैं एक आरटीओ की मामूली लेडी से हार गया तो जरा सोचिए क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट से कहती हूँ कि अपनी ड्यूटी बिना किसी डर के करें। अगर उन्हें पता चला कि मैं थामली के किसी गुंडे से डर गई तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। गुंडा? हाँ? मैम आप बोलती कम है मगर जब बोलती है ना तो बहुत ज्यादा बोल जाती है। वो ये सब किसी से कहती नहीं है इसीलिए कोई नहीं सुन रहा। हम मिडिल क्लास लोग हैं बेटा, हमारे यहां तो एक मेंबर से भी खर्चा बढ़ जाता है। तुम्हें पता है आदि, जब मैंने उससे पूछा कि इतने साल तुमने बच्चा प्लान क्यों नहीं किया तो पता है उसने क्या जवाब दिया? आदि है ना मेरा बेटा, जब वो सेटल हो जाएगा तब मैं अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी। तो आज के लिए बस इतना। नमस्ते। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही, हाँ संवार जरूर रही है। आदि अब तो उसे समझने की कोशिश करो। ओ मैडम देखिए जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। ठीक है मर ही जाता हूं, आज मैं अपने आप को ही गोली मार लेता हूं। मगर टीपू मेरे खुद को गोली मार लेने से क्या ये दुनिया सुधर जाएगी? नहीं भैया। थामली शांघाई बन जाएगा? नहीं भैया। ये आरटीओ लेडी को नोबेल प्राइज मिल जाएगा? नहीं ना भैया। क्या कर रहे हो? चाचा जी ने मुझे बताया कि और अगर ये औरत मरी तो कौन जीतेगा टीपू? क्या कहा तूने? अगर इस 2% की औरत को यही कुत्ते की मौत मार दूं तो कौन जीतेगा टीपू? औरत को तूने गाली दी है ना वो मेरी मां जैसी है, मां जैसी।
एमएलए बनना मेरा सपना है, अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। ये केस फाइल हो कर रहेगा। मतलब आप चाहती हैं कि मैं मर जाऊं? जान लोगे क्या मेरी? अच्छा सुनो, महीने की 15 तारीख बड़ी शुभ है। किस लिए? हमारी शादी के लिए। तुम्हारे बिना वक्त कट नहीं रहा, काट रहा है। इसलिए मैंने पापा से कह दिया कि तुमने बहला फुसला के मेरे साथ शादी से पहले सब कुछ कर लिया, तो वो दीदी से हमारे यहाँ शादी की बात करने आए हैं। चलो। निक्की मेरी इकलौती बेटी है, तो फिर मैं कैसे? हाँ, अगर आज कोई जॉब कर ले तो मैं इस रिश्ते के बारे में सोच सकता हूँ। और जिस लड़के का गुस्सा था तेज, वो कैसे दे दूँ उसे अपनी लड़की? विक्रमजीत से बैर लिया है क्या? मैं जानता नहीं, तुम्हारे भरोसे मैं इसे यहाँ छोड़ गया था, और इसके प्यार में तुमने अपनी छोटी बहन का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। वाह, कैसी बहन हो तुम। बस बहुत हुआ, इनके खिलाफ एक भी शब्द बोला ना तो आपका भी फ्यूचर खराब हो जाएगा अंकल। ना मुझे आपकी जरूरत है ना आपकी बेटी की। जा सकते हैं। आदि, कैसे बात कर रहे हो तुम? प्लीज अंकल जी। तुम तो कह रही थी इसने लड़ना बंद कर दिया है, और तुम अपने बाप के पिटने का वेट करोगी या चलोगी? मैडम, वो कल के हादसे के बाद मुझे बहुत फिक्र हो रही है। विक्रमजीत की तरफ कोई आंख उठाए तो वो जान ले लेता है। मैडम, आदि ने तो हाथ उठा दिया। जिम मेंबरशिप, कीटो डाइट, प्रोटीन शेक, साला सबका सब बंद करा देंगे तुम लोगों का। अगर 2 घंटे के अंदर उन दोनों उठा के यहां नहीं लाए तो देख लेना। जाओ साधो जी भाई। करिया भाई। चलो बे। चलो चलो चलो। हमारे प्रोफेशनल इश्यूज के बीच इसे नहीं आना चाहिए था, इसीलिए माफी मंगवाने लाई हूं। आदि सॉरी बोलो। सॉरी, मुझे माफ कर देना। तुझे बीच में नहीं आना चाहिए था। किया तो वैसे आपने भी सही नहीं था, लेकिन आज जो इसने गलती की है उसके लिए आई हूं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, छोटा समझकर माफ कर दीजिए। माफी चाहिए तो ठीक से मांग, अच्छी लगी तो माफ कर दूंगा। हम मिडिल क्लास लोग छोटी सी बात पे खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पे दुखी भी। परिवार को मुसीबत में देख के मैं सरा घबरा गया था। I'm sorry। तेरी माफी अच्छी लगी मुझे, दिल से मांगी है ना? जा माफ किया। पर हाथ लगाया सबके सामने और माफी अकेले में? अबे तो हमने भी तो अकेले में ही माफ किया, हमें इससे कोई परेशानी नहीं।
अब आप इसे यहां से ले जा सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये लड़ाई यहीं पे खत्म हो गई, आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इत्मीनान रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नमस्ते। सॉरी मेरे वजह से आपको। देखो आदि, तुम्हें मेरी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद लड़ सकती हूँ। अपने करियर पे ध्यान दो। इसे जाने को दिया, साले को यही ठोकते, पूरे शहर को पता चलता विक्रमजीत बिष्ट कौन है और उसे पंगा लेना क्या होता है। अगर उसे यहाँ ठोक देता तो पूरे शहर को कैसे पता चलता? क्या हुआ? आप चलिए, मैं आई थिंक चाबी भूल गया हूँ, मैं आता हूँ। चुनाव जीतने के लिए प्रतिद्वंदी को हराना जरूरी होता है और हिसाब का पक्का हूं मैं। पता तो आंखों में देख के चल गया था कि आपने माफ नहीं किया। सोचे जाने से पहले क्लियर कर लूं, जिस तरह आप मुझे घूर रहे हो ना, लगता है मेरी जान तो आप लेके ही रहेंगे। वैसे काफी समझदार है तू, मगर एक छोटी सी बात समझ नहीं पाया। जान तेरी नहीं, तेरी भाभी की जाएगी। हाथ मैंने उठाया था, उन्हें क्यों? जिसके लिए तूने हाथ उठाया उसी को अब कंधे पे उठाएगा तू, यही है तेरी सजा। क्योंकि जब तेरी भाभी मरेगी ना तो तू ज्यादा मरेगा। सुना, एक कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तुझे भी मेरी माफी हजम नहीं हुई ना, इसलिए आपसे सीधा तू पे उतर आता हूं। हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, फैमिली को लेके थोड़ा सा सेंटी हो जाता है, पर तू ठीक से समझा नहीं। फोकस कर, हम लोग में ना साला एक बुरी आदत है, हम लोग प्रॉब्लम आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि प्रॉब्लम आने के पहले ना उससे लड़ने की तैयारी करते हैं। मसलन प्याज के दाम 2 रुपए क्या बढ़ जाए, हम लोग 4 किलो सीधा साथ में खरीद लेते हैं। कहीं आना जाना हो तो 3 महीने पहले टिकट बुक कर लेते हैं। पेट्रोल का दाम 50 पैसा बढ़ गया तो 5 किलोमीटर की लाइन लगा देते हैं रात भर। इतनी छोटी छोटी चीजों का हम इतना ख्याल रखते हैं, तो सोच बात फैमिली के जान पे आए तो क्या करेंगे। तू उनको छू भी नहीं पाएगा। कब तक बचाएगा तू उसे? उन्हें कितने दिन में मारेगा उन्हें? 10 दिन देता हूं। इतने दिन लगेंगे? इतनी जल्दी है अर्थी उठाने की? चल ठीक है, 1 ओवर खेलते हैं, सुपर ओवर, 6 बॉल 6 दिन। अगर 6 दिन में तेरी भाभी को नहीं मारा तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। डन। जो भी मुझसे जीतने की कोशिश करता है बेटा, वो अपनी जिंदगी हार जाता है। जीत तो मैं तभी गया था जब मैंने सोच लिया था। जाइए सर, लेट मी एक्सप्लेन सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज। अरे तुमने वकालत कहां से सीखी? आज वो औरत मेरे ही घर पे आके मेरी बेइज्जती करके चली गई और तुम कह रहे हो कि मैं अपने दिमाग से काम लूं? ए,
तभी के तभी मैं उसे गोली मार देना चाहता था। सर, आपके खिलाफ खड़ा होने वाला हर इंसान धामली से गायब हो गया। सर, मैं सिर्फ आपको इलेक्शन तक रोकना चाहता हूं। सर, आपके शहर में रहते अगर ये मर गई तो इलेक्शन गड़बड़ा सकता है। ठीक है, 2 दिनों के लिए मैं लखनऊ जा रहा हूं। चाइनीज डेलीगेशन के साथ मीटिंग है। जब तक मैं वापस लौट के आऊं, अवनी सिंह इस दुनिया से जा चुकी होनी चाहिए। आप इस पे साइन कर दीजिए ताकि आज ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाए। आपने आपकी प्रॉपर्टी के पैसे इस आदमी को दिए। एक्सक्यूज मी, द नेम इज सर, मिस्टर सर। और अगर सर कल कंपनी बंद करके आपके पैसे लेके चले गए तो? ओ हेलो, ये पैसों की हेर फेर करने वाली चिटफंड कंपनी नहीं है, हाईली रिप्यूटेड गारंटी वाली सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कंपनी है। लेकिन एक हमारी शर्त है, आने वाले पूरे 30 दिन लगातार आपको यहाँ पे आना है। अगर एक भी छुट्टी की तो नो रिफंड। आपकी एक लौटी प्रॉपर्टी मेरे काम के लिए, आई डोंट थिंक इट्स फेयर। प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा जरूरी तुम्हारा फ्यूचर है आदि, साइन करो। बेटे यहाँ पे, हाँ बेटा, चल के। वेरी गुड, कैफेटेरिया यहाँ का बहुत अच्छा है। और पता है पिछले हफ्ते काफी लोगों को जॉब मिल चुकी है, कामयाब तो सब हो रहे हैं यहाँ पे। ये आपका डेस्क है। शायद तुम अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहते हो, वो जो भी हो उसके लिए भी डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट। नमस्ते सर। नमस्ते। किधर? अरे पूरी लगन से बस 30 दिन तुम्हें यहाँ आना। 5 दिन। 5 दिन? 40 दिन तो मेरे को लगे ट्रेनिंग में। 5 दिन की छुट्टी चाहिए। नो चांस, छुट्टी चाहिए। 30 दिन लगातार तुमको यहाँ पे आना है और आज तुम्हारा पहला दिन है। आज दूसरा दिन है। करके पूछ लेना कब तक आएगा भाई। आदि, तुम लोग सब ठीक हो ना? हाँ सब ठीक है। अरे हमारा छोड़, ये तेरे हाथ में पट्टा क्या कर रहा है? तूने जॉब कर ली क्या? हाँ यार, 24 घंटे हो भी गए। उनकी सिक्योरिटी की जॉब। सिक्योरिटी? अगले 4 दिन चल रहा था ऑन ड्यूटी। हाँ आदि। हाँ बोलिए। खाना खा के सो जाना। मुझे दे दो। हाँ टेंशन मतलब वो मैं कर लूँगा। और हाँ, खिड़कियाँ बंद कर लेना।
पर ताला लगा हुआ है। ताला तोड़ो, दो जने बाहर रखो। उसकी भाभी को तो रात में उठा लेते, पर वो पता नहीं कहां से आया, कुत्ते की तरह मारा हमें। 7 फ्रैक्चर है पूरी बॉडी में भाई। वो लड़का बहुत डेंजर है, बुरी तरह मारा। आप ही कुछ करिए ना भाई। हाँ भाई। बोल। हाँ भैया, इंसानों को मारने भेजा था उसे, चूजे पिटके आ गए उससे। तुझे क्या लगा था जो लड़का मुझे चैलेंज करके जा रहा है वो कोई मामूली लड़का होगा क्या? साले, मेरे आने तक अगर काम पूरा नहीं हुआ ना तो बहुत सारे छोटे मोटे काम है जहां तू ज्यादा खुश रहेगा।
भाई आपको गैस के पास आ रही है क्या? अरे ये राजू राजमा चावल सूद के आया होगा। ये राजू की बात नहीं है, ये तो एलपीजी गैस है, उसी की बदबू आ रही है। था इस बार ज्यादा होगी, मैं भी स्वागत के लिए तैयार हूं। भाई न जाने कितने सिलेंडर लीक किए हैं, सांस कम और गैस ज्यादा आ रही है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस और आग जब भी पास आते हैं ना धमाका होता है। सोच लो, 10 तक गिनूंगा, अगर अब नहीं मुड़ोगे तो सीधा उड़ोगे। 1 2 भूल दे रहा है साला, धमाका हुआ तो तू और तेरी भाभी भी उड़ेंगे। वो कूलेंट में डूबी हुई रजाई लेके सो रही है और मैंने सर से पैर तक आग से बचने वाला जेल डाल रखा है। तू हमारी फिक्र मत कर, खुद की सोच। 5 अबे 3 और 4 कहां खा गया? तुम लोग को जलाने की एक्साइटमेंट में भूल गया। एक ने यहां तोड़वाने के लिए भेजा है और दूसरा ये जलाने के लिए तैयार है, दोनों तेड़ों ने बजा के रखी हुई है। सिलेंडर फटते ही यहां का तापमान 100 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाएगा। 3rd degree बर्न्स किसे कहते हैं ये समझ में आएगा, तुम्हारी चमड़ी गल जाएगी, खून धुआं हो जाएगा। 6 देख रहा हूं कि तुम लोग ने सोना वोना बहुत पहन के रखा है, अच्छा है, नहीं तो तुम्हारा सगा बाप भी नहीं पहचान पाता। तू तो गया। 7 बेइज्जती तो होगी, बहुत जबरदस्त होगी, लेकिन अगर यहां टिके रहे ना सूतली बम की तरह फट जाएंगे। वापस चलें क्या? रुको ना, फटके ही जाना। 8 चलो बे। विक्रमजीत को क्या बताएंगे? ये अब भी जला डालेगा तो क्या घंटा बताएंगे? विक्रमजीत भाई कम से कम कल मारेगा। अरे बिना फटे ही फट गई। गाड़ी स्टार्ट करो क्या? रुक बे। नो आदि, क्या हुआ आदि? वो कुछ नहीं, गैस लीक हो रहा था इसलिए मैंने खिड़कियां खोल दी और लाइट बंद कर दी, आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए दरवाजे बंद कर लिए थे, पर अब सब ठीक है, आप प्लीज सो जाइए। ठीक है। लखनऊ के भाइयों एवं बहनों, मैं अपने शहर थामली को शंघाई बनाने की शुरुआत कर चुका हूं। अपने सुपर्स अब हम यहां लखनऊ में लेकर आएंगे। आपसे विनती करता हूं कि वोट देने से पहले आप सब सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम याद रखें, आपके राज्य का प्यारा दुलारा एकमात्र आपका होने वाला एमएलए विक्रमजीत। लेट मी हैंडल द सर। गड़बड़ हो गई है सर, उसने
नो क्वेश्चन प्लीज। मैं आपको बातें बता दूंगा। चलिए सर, आई विल गिव यू द ब्रीफिंग। ये देखिए सर, उसने पेपर में सुपर को एक्सपोज कर दिया, इसीलिए चाइनीज डेलीगेशन से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया सर। ये साली 2% की सूती की साड़ी पहनने वाली मिडिल क्लास की औरत मुझे सिखाएगी साली थाम लिया के। किसी भी हालत में इस साले को नो बॉल पे रन आउट करो। जी सर जी। ये आया नहीं आज? नहीं। द नेम इज सर, मिस्टर सर। नहीं आया सर, मिस्टर सर। कमाल है, कल इसने ज्वाइन किया, आज आया नहीं। कल रात के बाद ना लगता है इन लोग काफी सीरियस हो गए और हमें भी होना पड़ेगा। यही है दीदी का ऑफिस। Okay. मैं उनसे शादी की बात करके आती हूँ। ठीक है। All the best. Thank you. बिस्वा, आदि कहाँ है? उसे बोलो, मुझे हॉस्टल आके मिले। तो बोल दो खुद। जॉब कर ली? हाँ। आज शाम को मिलने के लिए रेडी हो जाना। क्यों? आज हमारी लव एनिवर्सरी है स्टुपिड। 2 साल पहले आज ही के दिन मैंने तुम्हें दीदी की शादी पे पहली बार देखा था। आज के दिन? मैं वेट कर रही हूँ के शाम को। बाय क्यूरी। बाय ब्यूटी। आज किसी की तो मैरिज एनिवर्सरी। आदि ये क्या है, ऐसे अचानक क्यों भेज रहे हो? अचानक याद आया कि आपकी एनिवर्सरी है। अगर अचानक भैया को मिलोगे तो अचानक सरप्राइज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको अचानक भेज रहा हूँ। अरे लेकिन बिना टिकट, बिना कपड़े और लीव लेटर के मैं कैसे छुट्टी पर जाऊँ? ये लो आपकी टिकट, शॉपिंग आपको भैया करवा देंगे और लीव लेटर चेतक लिख रहा। चेतक किधर है यार, बहुत जाना चाहिए था अभी तक। फैमिली टू लखनऊ, लखनऊ टू बैंगलोर, इतने पैसे कहाँ से आए आदि? आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपके पति के ही वो धाम ले आने के लिए ना थोड़ा ब्लैकमेल किया था मैंने। इतना अचानक कैसे होगा सब? क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है ये? कितना काम है आदि। अब आप बच्चों जैसी रखोगी तो बच्चे जैसी हरकतें करेगा ना आपका बच्चा। प्याज बहुत महंगे हो गए हैं, भाजी खरीद लेना, फ्रिज में सिर्फ बैंगन पड़े हुए हैं। आप टेंशन मत लो, आप वहां जाके फोन करना। हैव फन, बाय। ये हफ्ता खत्म, विक्रमजीत का खतरा खत्म। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि भाभी बैंगलोर गई। नो वन शुड नो, पहले ही बोल रहा हूँ। पर भाभी तो बैंगलोर गई नहीं। ये एटीट्यूड चाहिए। अबे भाभी बैंगलोर गई नहीं है। भैया कहाँ से आ गए? मैंने नहीं बुलाया था इनको यार। आप इधर आ गए। अपने अरे आइए ना।
कैसी हो? हाँ ठीक हूँ। अरे छोटे, लेकिन तुम दोनों यहाँ कैसे? वो आदि चाहता था कि मैं एनिवर्सरी के लिए सरप्राइज दूँ आपको। लो कर लो बात, और मैं यहाँ तुम दोनों को सरप्राइज देने आया हूँ। अच्छा अपनी इनसे मिलो, विक्रम जी बहुत अच्छे इंसान है, यहाँ के होने वाले एमएलए हैं। अच्छा? हाँ, इनका वीडियो कॉल आया मुझे और तुम्हारे काम की बहुत कदर करते हैं। इनफैक्ट इनको जब पता चला हमारी एनिवर्सरी है तो उन्होंने कहा भाई टिकट के पैसे तो मैं दूंगा। मैंने कहा नहीं, पैसे के मामले में नहीं। हाँ फिर क्या, एक हफ्ते की छुट्टी ली और आ गया तुम्हें सरप्राइज करने। अच्छा चलता हूँ। आदि आप लोग चलिए, मैं आता हूं। बोल। मिडिल क्लास जितना सेंटी होता है ना, रिच उतना ही मेंटल। तुम लोग जितने तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हो, उनसे लड़ने की कोशिश करते हो, उन प्रॉब्लम्स को हम ही तो पैदा करते हैं। तुम लोग अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल ना कर पाओ, इसलिए हम प्याज के दाम बढ़ा देते हैं। हम ही हैं वो लोग जो पूरी सीट्स खाली होने के बावजूद टिकट्स की कीमत तुम्हारी औकात से परे रखते हैं। हार मान ले वरना भाभी के चक्कर में तेरा भाई भी जान से जाएगा। घबरा मत, आज का दिन रेस्ट डे समझ ले और उसके बाद मेरी एक बात मान ले, अपने भाभी को खुद गोली मार दे ना मैं तो मार ही दूंगा। एक काम कर, कुत्ता पाल ले। क्या? कुत्ता पाल ले, मगर ये वहम मत पालना कि तू उन्हें हाथ भी लगा पाएगा। चेतक, भाग भवेता। अब आप दोनों अपने बड़े आशीर्वाद, खुश रहो हमेशा। ये बड़ा अच्छा सरप्राइज हो गया। नहीं चाचा जी, वो तो अच्छा किसने मुझे देख लिया, वरना एनिवर्सरी मैं यहाँ मना रहा होता और ये बैंगलोर में। आपकी तो टाइमिंग ही खराब है, एक काम ठीक से नहीं होता आपसे। अरे अब क्या किया मैंने? ऐसे क्यों बोल रहे हो आदि? तुम ही तो चाहते थे कि हम सभी साथ में सेलिब्रेट करें, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जैसा आप कहें भाभी। जैसा आप कहें भाभी? ए, क्या हुआ? क्या हो गया? यू ओके? इसने आज मुझे पहली बार भाभी कह के बुलाया है। Bloody emotional fellows. अब ये इमोशनल ड्रामा ही करके रहो। सर ये रही उस बस की फाइल, और यात्री यदि बस में सिलेंडर लेके चलेंगे ना तो आग तो लगेगी ना मैडम। आप देख सकते हैं सर, जो 40 लोग मरे हैं उनमें से 20 के घरों में तो बेसिक गैस भी नहीं है। बाकी के 20 11 स्टूडेंट्स थे और 5 बच्चे। तो मिस्टर रॉय जिन 4 लोगों के ऊपर अपनी कहानी टेक रहे हैं, उनकी फैमिली से मैं बात कर चुकी हूं, एंड दैट्स इन माय रिपोर्ट। एनी क्वेश्चन मिस्टर रॉय? थैंक यू मिस्टर रॉय। उमेश, अब हम इस फाइल को इलेक्शन कमीशन के ऑफिस भेज सकते हैं, और ध्यान से, इस फाइल को कुछ हुआ तो विक्रमजीत और सुपर के खिलाफ सारे सबूत हमेशा के लिए मिट जाएंगे, एंड आई कांट टेक दैट रिस्क।
हाय। कुछ विक्रमजीत बिष्ट के गुंडों ने मुझे पकड़ लिया है। बोले तुम्हें कॉल करूं। वैसे इसका चाकू बड़ा तेज लग रहा है। पूछूं कहां से खरीदा? आया पीछे। सुन बे। 5 मिनट में इधर आ वरना इसके इतने टुकड़े करूंगा इतने कि तू गिन नहीं पाएगा। 5 मिनट। साले बन गया हीरो। अब एक तरफ तेरी भाभी है तो दूसरी तरफ तेरी होने वाली बीवी। यही तो देखना चाहता था मैं कि आखिर तू बचाएगा किसको। तुझे यहां आने में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे और मुझे 5। कितना? 5। टीपू को ही मारते रहेगा अपनी भाभी को बचाएगा। चल फोन रख। सर जी, मोबाइल यूनिट से अलर्ट आया है कि आप आरटीओ ऑफिस आने वाले हैं, इसीलिए किसी ने यहाँ पे बम प्लांट किया हुआ है। कॉलर ने कहा है आपकी जान बचा। आदि, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं ऑफिस नहीं गए? ऑफिस की वजह से तो यहाँ आया हूँ। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लम था। सॉल्व हो गया? अब सब सॉल्व हो गया।
मेरी बाइक थोड़ी सी खराब हो गई है, एक हाथ दिन लगेंगे ठीक होने को। क्या मैं आपके साथ घर आ सकता हूँ? चलो। नमस्ते। इतनी लेट? वो कल मेरी एग्जाम है तो इन लोग सब मुझे हेल्प करने आए जी। साथ में पढ़ेंगे हाँ। है ना? ग्रुप स्टडीज। गुड नाइट। गुड नाइट। नताशा कहाँ है? टेरेस पे। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया आदि? छुपा सकता तो आज भी नहीं बताता। सब परेशानियां अकेले झेलोगे तुम? मैं क्यों तुम्हारी लाइफ में? कल आखिरी दिन है, किसी पे भी बात कर सकता है। तुम लोग सब मेरी आंखों के सामने रहोगे, मैं कोई चांस नहीं ले सकता। हाँ, ओके भाई। सर, मैडम का तो पता नहीं, लेकिन धामली में रहकर आपसे बैर नहीं ले सकता। बताइए, कौन कहता है लोगों का पुलिस से भरोसा उठ गया है? हैं? आई, आप तो आज ही मैच जीत गए, अभी भी उस अवनी देवी को मारेंगे क्या? ऐसी मौत दूंगा उसे कि पूरा शहर देखते रह जाएगा। जी भाई, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो छोड़, सुन, ये बुक ले। जी। यहाँ बैठ। ओके भाई। सोना मत। जी भाई। ध्यान रखना। ओके भाई। दर्शी, तू सो रहा है? पता नहीं चला, सॉरी। विश्वास, चेतक, भाभी को फोन लगाओ। उठो चेतक, फोन लगा, फोन लगाओ भाभी। चाबी, भैया को कुछ मत बताना, मैं जानता हूं भाभी का है।
भाभी का है विक्रम जी। चुप। मेरे ही घर में घुस के मुझसे वो सवाल पूछ रहा है जो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। उन्हें एक भी घर हो जाए ना तो तू गया। बड़ा चैलेंज करके गया था ना साले कि अपनी भाभी को बचा लेगा, तो गई कहां? अब तू बता कि तेरी भाभी किधर है, वरना तू गया काम से। मैंने कहा था ना, अपनी लड़ाई में खुद लड़ सकती हूँ। आप तक पैसे टाइम पे पहुंचते हैं ना, तो फिर वो मेरे घर पे कैसे पहुंच गए? आप देता हो तो अपने घर पे बैठे रहो। अवनी रमन सिंह, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन पब्लिक सर्वेंट बोल लो, और तेरा ये वारंट इस बात का सबूत है कि तुझ जैसे गुंडे एमएलए नहीं बनेंगे। ए, यूं ऐसे ही चुटकी बजाते छूट जाऊंगा मैं। शायद तू जानती नहीं है कि तेरी फाइल जल चुकी है। शायद तू नहीं जानता कि तेरी तो किस्मत ही जल चुकी है। देख ले, तेरा आखिरी मैसेज है। सुपर कैप के ओनर विक्रमजीत बिष्ट, जो इस बार इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विक्रमजीत ने खुलेआम एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर मेजर यशवंत का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। ब्रेकिंग न्यूज। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब मेजर यशवंत तेरी शिकायत लेकर आए थे एंटी करप्शन विंग दिल्ली। तब जाकर बनी एक स्पेशल टास्क फोर्स। अवनी, तुम वहां एक आरटीओ ऑफिसर बन के जाओगी। यू मस्ट लीव फॉर धामली राइट नाउ। जब तू अपनी रैलियां कर रहा था, तब हम तेरे खिलाफ अपना इन्वेस्टिगेशन। मेजर यशवंत जानते थे कि तू उन्हें मार देगा, फिर भी उन्होंने इंसाफ के लिए अपनी जान दे दी और सबूत रिकॉर्ड कर लिया। रही बात उस फाइल की जो तूने जला दी, मैंने ही भेजी थी डुप्लीकेट, ताकि ओरिजिनल फाइल मैं खुद एंटी करप्शन विंग पहुंचा सकूं। इसे कहते हैं ना लास्ट बॉल पे छक्का। मेरी तो मां जैसी है, पर तेरी तो बाप निकली बेटा। पिछले 6 दिनों से तेरा ये निकम्मा देवर तेरे पीछे पीछे हनुमान बन के घूम रहा था, वरना बिना लाश के अभी तक अंतिम संस्कार हो गया होता तेरा। मान है मुझे इस पे, एक अकेला लड़का तेरी पूरी गैंग पे भारी पड़ गया और इंसाफ तुझ पे,
तूने इंडियन आर्मी के एक मेजर को मारा है विक्रमजीत, जिसकी सजा सिर्फ फांसी है। आज से तेरी जिंदगी खत्म। अरेस्ट हिम। नीचे। तुमने तो मेरा पूरा सपना ही तोड़ दिया। तू जीते जी मर गया। अवनी रमन सिंह, तुझे अपना पूरा नाम तो बखूबी याद रहा, बीच का रमन भूल गई तू। तुझे क्या लगा था कि उसे हमने यहां गाना गाने के लिए बुलाया? ऐसी जगह छुपाया है उसे कि पूरी दुनिया की पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं सकती। सिर्फ मैं जानता हूं कि वो कहां है। जब मैं उसे मार रहा था ना, तो कुत्ते की तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, एक भिखारी की तरह फर्श पे पड़ा पड़ा अपने जान की भीख मांग रहा था, बोल रहा था मुझसे, बचाओ बचाओ, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। बस कर। आदि, स्टॉप इट, कंट्रोल आदि, नहीं आदि, स्टॉप इट। जोश में आने की जरूरत नहीं है बेटा, है? मेरे चक्कर में तू अपना पति भूल गई और तेरे चक्कर में ही अपना भाई। अब ये कहानी वहीं खत्म होगी जहां से शुरू हुई थी। इस 1100 स्क्वायर किलोमीटर के शहर में 11 स्क्वायर फीट उसके नाम भी कर दिए है, मगर पता नहीं बिना हवा पानी और रोटी के कब तक जिएगा वो। मेरा भाई का है कुत्ते, पता बताऊंगा नहीं। जब उसकी लाश सड़ेगी, बदबू उठेगी, तो सबको पता चल जाएगा। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी ना, अब मैं तुम्हारी मौत शुरू करूंगा। टिपो, टिपो। जी भैया। अगर इन दोनों को मार दिया तो क्या मैं जीत जाऊंगा? नहीं भैया। गुड। और अगर खुद को मार दिया तो? पता है, तब मैं मर के भी जीत जाऊंगा। तेरा भैया और इसका सैया अब मेरे साथ जाएगा। मैं तो मर के छूट जाऊंगा, मगर उसको याद करके तुम दोनों रोज रोज मरोगे। विक्रमजीत। जिसके नाम के आखिर में जीत है, वो हार कैसे सकता है? अरे साइड साइड डॉक्टर, हट जाइए, डॉक्टर, लूसी ब्लड, डॉक्टर, डॉक्टर,
देखिए गोली उनके सर के पिछले हिस्से पर लगी और खून भी काफी बह चुका है। द पेशेंट इज इन कोमा राइट नाउ, वेरी लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल। एक्सक्यूज मी, ऐसी जगह छुपाया है उसे कि पूरी दुनिया की पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं सकती। आदी! बिना हवा पानी और रोटी के कब तक जिएगा वो? लाश सड़ेगी, बदबू उठेगी, तो सबको पता चल जाएगा। अगर इन दोनों को मार दिया तो क्या मैं जीत जाऊंगा? नहीं भैया, हर घंटे आप मुझे इनकी सारी रिपोर्ट। डॉक्टर जी, डॉक्टर अभी का डोज ये है। डॉक्टर इन्हें होश कब आएगा? शायद अभी या फिर कभी भी नहीं, लेकिन आपके बार बार पूछने से हमारा जवाब नहीं बदलेगा। बेटा तुम इस पेशेंट के लिए इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? जब तक इनकी सांस चलेगी बस तब तक मेरी जिंदगी। आदि यार भैया को सब जगह ढूंढ लिया यार, पता नहीं चल रहा भैया जिंदा भी है मर। कुछ नहीं होगा भैया को, कुछ नहीं होगा भैया को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सब मेरी वजह से। आदि हिम्मत मत हारो प्लीज। देखो ये विक्रमजीत तुम्हारे दोस्त या मैं, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हारी मदद सिर्फ तुम कर सकते हो। आदि तुम एक बार किसी चीज को देख या सुन लेते हो कभी नहीं भूलते ना, ध्यान से सोचो आदि और याद करो। ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है, याद करो विक्रमजीत की हर बात हर हरकत को। मैं बोल रही हूं आदि, याद करो। अब ये कहानी वहीं खत्म होगी जहां से शुरू हुई थी।
आरटीओ, मेरे और विक्रमजीत के बीच में सब कुछ आरटीओ पे शुरू हुआ था। चलो, चलो। आगे ऊपर। से शुरू हुई थी जहां से मैंने उसकी गाड़ियों को सीज किया था। लेट्स गो। सोचो आदि, सोचो। समथिंग वी मिसिंग। 1100 स्क्वायर किलोमीटर के शहर 11 स्क्वायर फीट उसके नाम भी कर दिए है। 11 स्क्वायर फीट सुपर्स। जो 4 गाड़ियां मैंने पकड़ी है वो आरटीओ के गोडाउन में है। कम ऑन। सुपर्स ढूंढो आदि, सुपर्स। भैया गाड़ियां भैया मिलेंगे कहां? मैंने यही गाड़ियां सीज की थी। जिस गाड़ी का डिक्की थोड़ा लो है उसे चेक करो। जल्दी से आ जाओ। क्विक क्विक, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वी कांट वेस्ट एनी टाइम। आदि भैया, ये सब मेरे वजह से हुआ। भाभी मुझे माफ कर दो प्लीज। भाभी माँ समान होती है और जब बेटा माँ से माफी मांगता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आपने माफ कर दिया हो तो एक नौकर भी रख लो ना प्लीज। क्यों आदि, तू है ना।